एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलरी पढ़ने से पहले वापस आ जाते हैं दो टाइप की फोर्सेस पे। एक टाइप की फोर्स है कोहेसिव फोर्स, एक टाइप की एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव वाटर, वाटर की फोर्स कोहेसिव है, वाटर और कंटेनर की फोर्स एडहेसिव है। तब अब हम ये रीजन ढूंढते हैं कि मेनिस्कस की शेप चेंज क्यों होती थी और कब होती है कब नहीं होती। तो इमेजिन करो आपके पास ये एक लिक्विड पड़ा हुआ है बड़े टैंक में, बड़ा टैंक है उसमें लिक्विड पड़ा हुआ है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ठीक है अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ कंटेनर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, आपने उन मॉलिक्यूल्स को देखना है जो बिल्कुल बाउंड्री पे यहाँ पर हैं, पानी के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं कंटेनर के साथ हैं। अब उन मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से तो पानी खींच रहे कि हमारे पास इस इधर आ, और एक तरफ से कौन खींच रहा है, कंटेनर खींच रहा है। अब कंटेनर और लिक्विड की फोर्स, एक फोर्स है कंटेनर की तरफ और वाटर, वाटर की फोर्स है वाटर की तरफ। बड़ी पता है कौन सी होती है, कंटेनर की फोर्स बड़ी होती है, वाटर वाटर की कम है। कंटेनर ज्यादा जोर की खींचता है पानी को, बाल्टी बकेट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स पानी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जोर की खींचते हैं। आप खुद देखो अगर ये ज्यादा खींचेंगे, जगह तो है नहीं, अंदर से पेनिट्रेट तो करेगा नहीं पानी, कहां चढ़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए लिक्विड साइड पे ऊपर चढ़ा दिखता है आपको कंटेनर के, क्यों, क्योंकि कंटेनर ज्यादा फोर्स लगा के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मेनिस्कस की शेप ऐसी क्यों होती है साइड पे समझ में आ रहा है। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जैसे मरकरी, मरकरी मरकरी की फोर्स तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, मरकरी मरकरी को बहुत तेज खींचता है। तो जब आप मरकरी डालते हो तो कंटेनर इसको चिपका नहीं पाता, खींच नहीं पाता, तो मरकरी मरकरी खींच पाती है तो मरकरी दूर भागती है कंटेनर से, तो मेनिस्कस ऐसा होता है साइड से उड़ जाता है ऊपर की तरफ, दूर भागता है ये मरकरी मरकरी खींच रही है। तो इस टाइप के लिक्विड जो कि जिनके कंटेनर लिक्विड को खींच लेते हैं वो कंटेनर वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तभी तो बाल्टी गीली हो जाती है क्योंकि बाल्टी पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जब मरकरी को कंटेनर में डालते हो ये कंटेनर गीला नहीं होगा, ये वेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मरकरी चिपकती नहीं है कंटेनर के साथ, कंटेनर को चिपकाता ही नहीं है, मरकरी मरकरी को खींच लेती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो यही केस है इसमें कि अगर एडहेसिव फोर्स बड़ी है कोहेसिव से, एडहेसिव का मतलब कंटेनर ने जो फोर्स लगाई मॉलिक्यूल्स के ऊपर वाटर के वो बड़ी है, तो मेनिस्कस ऐसा होगा, कनकेव बोलते हैं, ऐसे कनकेव शेप होगा। और अगर मान लो ऐसी है मरकरी मरकरी की फोर्स बड़ी है, तो ऐसे केस में कोहेसिव फोर्स बड़ी है एडहेसिव से, तो ऐसे केस में क्या होगा, लिक्विड वेट नहीं करेगा, इसमें वेट करता है, तो मेनिस्कस कैसा होगा, इसमें कन्वेक्स होगा। ठीक है, यहां तक इस शेप को कन्वेक्स बोलते हैं। और अगर दोनों बराबर है कंटेनर की भी और मॉलिक्यूल्स की भी, तो एकदम क्या होगा, प्लेन होगा। अब इमेजिन करो ये तो कंटेनर बड़ा है और ये जो अफेक्ट है आपको बिल्कुल कॉर्नर पे दिखेगा, जहां जहां ये कंटेनर है वहां दिखेगा, क्योंकि यहां पे ही दिखेगा, यहां पे कैसे दिखेगा, यहां कंटेनर है ही नहीं, फ्लैट सरफेस है पानी के, फ्लैट ही दिखेगा, कॉर्नर पे उड़ जाएगा या दब जाएगा, ऐसा होगा। आप ये सोचो कि आपने कंटेनर या पाइप ली, कैपिलरी ट्यूब ली, ये ट्यूब बहुत ही पतली है, बहुत पतली है, आपने इसमें लिक्विड डाल दिया, तो साइड पे तो मेनिस्कस उठा रहेगा, बीच में फ्लैट नहीं दिखेगा, फ्लैट तो तब दिखेगा जब जगह होगी, जगह ही नहीं, ट्यूब इतनी पतली है, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर है। अगर फ्लैट होगा तो भी, अगर कंटेनर बड़ा होगा फिर ऐसा दिखेगा, कंटेनर छोटा होगा अगर और छोटा और छोटा और छोटा, तो बिल्कुल साफ मेनिस्कस आपको ऐसा दिखेगा। तो रीजन समझ में आ रहा है मेनिस्कस का ऐसा होने का, क्योंकि ट्यूब की जो कंटेनर, जो कंटेनर या ट्यूब है उसके मॉलिक्यूल लिक्विड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्लियर है यहां तक कि मेनिस्कस ऐसा क्यों होता है और पतली ट्यूब में क्यों साफ दिखाई देता है, क्योंकि ट्यूब पतली है, ऐसा अफेक्ट आ नहीं पाता। और अगर मरकरी जैसा कोई इसमें डाला जाए तो बिल्कुल अफेक्ट क्लियर दिखेगा आपको, मेनिस्कस ऐसा दिखेगा इसमें। क्लियर है यहां तक? तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इसकी शेप ऐसी क्यों होती है, सारी गेम एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की है, पॉइंट नंबर वन। ठीक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या चीज है। जैसे मान लो एक वेसल है, इसमें लिक्विड ऐसा है और मरकरी जैसा ऐसा है और फ्लैट ऐसा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि आप जहां पर कंटेनर और लिक्विड है ये मीट कर रहे हैं, यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें लिक्विड की सरफेस पे, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहां से आप लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें,
तो ये टेंजेंट कंटेनर के साथ लिक्विड के अंदर कितना एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये टेंजेंट कंटेनर के साथ, अब कंटेनर के साथ तो ये एंगल बन सकता था, लिक्विड के अंदर बनाना है, पानी के अंदर लिक्विड के अंदर बनाना है, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जैसे मरकरी जैसा एग्जाम्पल है, मरकरी जैसे में ये टेंजेंट ऊपर जाएगा, पर आपने एंगल ये नहीं लेना लिक्विड के अंदर थीटा, तो मरकरी जैसे जो सब्सटेंस है उनमें जो एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90, और वाटर जैसे सब्सटेंस है उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, लेस देन 90, और जो फ्लैट है उसमें टेंजेंट फ्लैट बनेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 90। और ये होता किसमें है, सिल्वर का वेसल और प्योर वाटर में 90 बनता है, वैसे 90 बनता नहीं। तो न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मली गिवन होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा। तो ये एंगल क्या चीज है, ये एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इन द लिक्विड। सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अलग अलग लिक्विड अलग अलग कंटेनर्स अगर चेंज करोगे मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना मेनिस्कस चेंज होगा उतना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज होगा। नेक्स्ट है क्लीननेस ऑफ द सरफेस। मान लो आपका एक ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, अब ऑयल के मॉलिक्यूल रोल प्ले करेंगे ट्यूब से ज्यादा, तो यानी कि क्लीन नहीं है, तो क्लीननेस ऑफ द सरफेस से भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा, उसके मॉलिक्यूल भी अपना कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ द फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस के ऊपर एयर है, मान लो केरोसिन होता, दो टाइप के लिक्विड होते तो फिर मॉलिक्यूल चेंज हो जाते तो वो भी खींचते, तो वहां पर वो भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर जो है ज्यादा कम है तो मॉलिक्यूल की जो है उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में चेंज, उससे भी चेंज हो जाता है। तो लिक्विड दैट वेट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90। वेट्स द वॉल का मतलब कि चिपक सकता है पानी, या लिक्विड जो चिपकता है, वो चिपकता कौन है, जो कंटेनर चिपकाता है, जो चिपकाता है उसका मेनिस्कस ऐसा बनता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनता है, लेस देन 90। मरकरी जैसे चिपकते नहीं, तो उनका एंगल जो डू नॉट वेट है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनता है, ग्रेटर देन 90। और ऐसे ही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर और ग्लास का, नॉर्मल वाटर और ग्लास का 8 डिग्री होता है, और प्योर वाटर और सिल्वर का क्या होता है, 90 डिग्री। बस फैक्ट्स हैं ये, वैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, राइट, क्लियर है। शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस का ये टॉपिक यहां से करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, आप यहां से देखें कैपिलैरिटी क्या चीज है इसको एक बार देखें।